बिग बॉस OTT3 से एविक्ट हो गए हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री अदनान शेख, और अदनान शेख सिर्फ 7 दिन तक बिग बॉस में रहकर आए। और जब इस बात पे मुनव्वर फरूकी ने उन्हें रोस्ट किया तब अदनान ने कहा कि सब अपनी अपनी जगह है, मुनव्वर अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, सबकी एक अलग पर्सनैलिटी होती है और मैं हमेशा से ग्रेटफुल रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र किया हूँ। और ये सब मुझे लगता है कि जितना शुक्र करूँ उतना कम है। अदनान ने ये तक कहा कि कंटेंट तो बिग बॉस में सिर्फ अरमान ही दे रहा है, पर क्या वो रियल है? अरमान तो सिर्फ मुद्दे ढूंढता रहता है पूरा टाइम कंटेंट के लिए। आप क्या कहना चाहोगे, क्या अरमान सिर्फ मुद्दे ढूंढता है? क्योंकि कंटेंट दे रहा है तो हाँ, क्या वो रियल है तो नहीं। तो कंटेंट देने के हिसाब से वो 10 मिनट पहले आके बहुत अच्छे से बात कर रहा है और ऑल ऑफ अ सडन 10 मिनट बाद कोई भी एक सिली टॉपिक मिल रही है तो उसको मुद्दा बना के उस पर लड़ रहा है। जो एक्चुअल समझ रहे हैं, मतलब एक दिन में 5-7 ऐसे इंसिडेंट करो जिसमें से कुछ ना कुछ में तो दिख क्या हो गए। तो ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग मेरे को आती नहीं है, मैं एकदम रियल था, मैं अननेसेसरी पंगे नहीं लिया। हाँ, कोई अगर पंगे लिया है तो चाहे वो अरमान हो, कटारिया हो या साई केतन मेरा जो दोस्त था उससे भी हो, मैं किसी से भी ढंसा नहीं हूँ। सबको जैसा जो मेरे से भिड़ा उसको वैसा जवाब दिया। अदनान ने ये तक कहा कि वो क्रिमिनल नहीं है एल्विश की तरह। एल्विश के तो कितने सारे केसेस चल रहे हैं, तो इसलिए एल्विश को वो बाद में देख ही लेंगे। बहुत हटेला हूँ मैं, वो सेम शो में सेम सीजन में होता तो पता चलता था उसको भी, ये तो सच बोल रहा है। पर हाँ, मैं क्रिमिनल तो नहीं हूँ, फालतू के मेरे को ईडी की रेट तो नहीं पड़ रही है, ना ही मेरे को स्नेक वेनम वाला केस वेस में ऐसे कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, ना ही मैं कोई गमला छोड़ूँ। देखो, उसको ना जवाब दिया है फैसल ने, मेरे भाई ने, बहुत ही अच्छी तरीके से अपना क्लास अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए उसको जवाब दिया है। पर बोलते ना, कभी कभी किसको उसकी लैंग्वेज में ही जवाब देना पड़ता है। तो अभी आ गया हूँ मैं, अभी ये सब इंटरव्यू वगैरह लाइनअप थे, मेरी फैमिली को भी टाइम दूंगा, फिर मैं बहुत सारे व्लॉग वगैरह बनाया वो मेरे ऊपर और बहुत सारी स्टोरीज़ वगैरह पे भी रिएक्ट किया है, तो फुर्सत में देखूंगा जाके, फिर एक बार में सब चीज़ों का टोटल लेके बैठूंगा और हफ्ते भर के अंदर आपको पता चल जाएगा, जवाब मिलेगा। उन्होंने ये तक कहा कि वो वड़ा पाव गर्ल के बारे में जो उन्होंने कमेंट्स किए वो उसे रिग्रेट करते हैं और उन्हें सॉरी तक बोल चुके हैं। यस, मैं रिग्रेट करता हूँ क्योंकि मैं तुरंत मैं घर में एंटर किया था और एक बहुत सारे जैसे मेरे म्यूचुअल फ्रेंड थे तो वो फ्लो में हो गया मेरे से चीज़ें, उसके लिए मेरे को बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ वो टीवी पे बहुत ज़्यादा गलत दिख के आया, तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ। चंद्रिका को मैंने सॉरी भी बोला, अगर वो ये देख रही होगी तो उसको मैं वापस से एक बार सॉरी कहना चाहता हूँ। और जब ये पूछा गया उनसे कि क्या उन्होंने अरमान और कृतिका के बीच में कुछ नज़दीकियाँ देखी, स्पेशली जब से वो क्लिप वायरल हुआ है जो जियो सिनेमा तक को तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देनी पड़ी, तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा उन दोनों के बीच में। मैम, नहीं देखा मैंने ऐसा कुछ, मैं तो ऐसा कुछ देखा नहीं, मतलब किस बारे में बात कर रहे हो आप, सच्ची में नहीं पता मुझे। Subscribe to Glamour Alert for more such interesting stories about Big Boss.